हे गाइस वेलकम बैक लास्ट वीडियो में हमने स्प्लिट मेथड देखा था अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन में दे रहा हूं आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज्वाइंट मेथड के बारे में साथ ही बात करेंगे प्रैक्टिकल यूज ऑफ ज्वाइंट मेथड स्प्लिट मेथड का यूज करके हमने कन्वर्ट किया था स्ट्रिंग को लिस्ट में लेकिन अगर आपको बोला जाता है कि लिस्ट को कन्वर्ट करो स्ट्रिंग में इस केस में हम यूज करेंगे ज्वाइंट मेथड का सपोज आपको लिस्ट दी जाती है एक और आपको बोला जाता है कि इस लिस्ट के आइटम्स को कन्वर्ट करो एक स्ट्रिंग में एंड उन्हें सेपरेट करो बाय कोलन इस केस में आप यूज करेंगे ज्वाइंट मेथड का ज्वाइंट मेथड के लिए आपको यहाँ पे सेपरेटर लिखना पड़ता है सेपरेटर मैं देता हूं कोलन डॉट ज्वाइंट मेथड का नाम लिखना है एंड लिस्ट वन को पास कर देना है ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग को असाइन कर देते हैं किसी वेरिएबल के साथ सपोज मैं स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूं देन प्रिंट करवा लेते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल को सेव करके अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं आउटपुट विंडो में मुझे एक स्ट्रिंग मिलेगी ए लन बी कोलन सी तो जो लिस्ट के आइटम्स हैं वो सेपरेट हो रहे विथ कोलन और स्ट्रिंग है तो हमने क्या किया लिस्ट को कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में दिस इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्प्लिट मेथड चलिए अब थेटिकली बात करते हैं ज्वाइंट मेथड के बारे में ज्वाइंट मेथड पाइथन स्ट्रिंग की एक इनबिल्टेक्स ऑल आइटम्स इन एन इटरेबल एंड ज्वाइंसू वन स्ट्रिंग ज्वाइंट मेथड रिटर्न करता है एक वन स्ट्रिंग ज्वाइन मेथड इटरेबल लेता है एज एन आर्गूमेंट उस इटरेबल के सारे आइटम्स को वो join कर देता है बाय यूजिंग सेपरेटर तो हमें पे सेपरेटर भी स्पेसिफाई करना पड़ता है मेथड का syntax कुछ इस तरह होता है सेपरेटर लिखना पड़ता है डॉट ज्वाइन मेथड का नाम देन इटरेबल एज एन आर्गुमेंट आपको पास करना पड़ता है अब इटरेबल क्या होता है इटरेबल आर नथिंग बट द पाइथन ऑब्जेक्ट्स विच आर कैपेबल ऑफ रिटर्निंग इट्स मेंबर वन एट ए टाइम इटरेबल ऐसे पाथन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम इटरेट कर सकते हैं जनरली इटरेबल कलेक्शन होता है आइटम्स का लाइक like लिस्ट हो गया स्ट्रिंग हो गया सेट हो गया डिक्शनरी हो गया टप्पल हो गया ये सारे इटरेबल्स हैं ये एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है ये लिस्ट है मतलब एक इटरेबल है इस इसपे हम इटरेट कर सकते हैं इस लिस्ट को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ स्ट्रिंग में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैं यूज करूंगा ज्वाइंट मेथड का एज अ आर्गुमेंट ज्वाइंट मेथड में आपको पास करना है इटरेबल इटरेबल यहाँ पे ये है

इसको मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ एंड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूं जिससे मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ वो सेपरेटर कुछ इस तरीके से है मैं यूज करूंगा ज्वाइन मेथड का एज अ आर्गुमेंट मुझे पास करना पड़ेगा इटरेबल दैट इज अ लैंग्वेज सो मैंने सेट को पास किया एज एन आर्गूमेंट टू द ज्वाइन मेथड अब ये ज्वाइन मेथड क्या करेगा इस सेट के जो आइटम्स हैं उनको ज्वाइन करेगा विद दिस सेपरेटर एंड ये कुछ रिटर्न भी करता है ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग होगी लैंग वन एंड मैं प्रिंट करवा लेता हूँ इस स्ट्रिंग को सेव करके मैं रन करता हूँ आउटपुट विंडो में देखिए सो यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा क्योंकि सेट का ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता है लेकिन जो सेपेडर है यहाँ पे ये सेपेडर देखिए जो हमने यहाँ पे दिया था और एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है सो लैंग्वेज वन इज स्ट्रिंग सो आउटपुट विंडो में जो स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है इसको हमने बनाया है इस सेट से अगर आप आईडी प्रिंट करते हैं लैंग एंड लैंग वन का तो वो आईडी डिफरेंट डिफरेंट होगा ये आप करके देखिए इसका मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है विच इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप अगर हम ज्वाइंट मेथड का यूज डिक्शनरी पे करते हैं तो ये डिक्शनरी के कीज को ज्वाइन करेगा सो so, मैं इन कीज को यहाँ पे कीज क्या है इंडिया है नेपाल है एंड इंग्लैंड है इन कीज को मैं ज्वाइन करना चाहता हूं ज्वाइन करना चाहता हूं विद द स्पेसेस डॉट ज्वाइन मेथड एंड पास करना है इटरेबल जो कि है कंट्री अभी रिटर्न करेगा कोई स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग को डायरेक्ट मैं प्रिंट करवा लेता हूं सेव करके इस प्रोग्राम को करता हूं रन आउटपुट विंडो में देखिए जो कीज है इस डिक्शनरी की उनमें स्पेस क्रिएट हो रहे हैं उनका जो सेपरेटर है वो स्पेसेस है जो हमने यहाँ पे दिए हैं यहाँ पे कोई मैं वर्ड भी दे सकता हूं मैं देता हूँ कंट्री कोलन सेव करके फिर से रन करता हूं तो देखिए इंडिया इंडिया के बाद कंट्री कोलन देन नेपाल नेपाल के बाद कंट्री कोलन तो यहां पे मैं देता हूं स्पेस सेव करके फिर से इसे रन करता हूं देखिए इंडिया देन कंट्री नेपाल देन कंट्री इंग्लैंड सो आप किसी वर्ड से भी सेपरेट कर सकते हैं जिससे चाहे आप सेपरेट कर सकते हैं सो so गाइज ये था ज्वाइंट मेथड ज्वाइंट मेथड का यूज करके आप किसी भी इटरेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग में एंड जो इटरेबल के आइटम्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं बाय सेपरेटर So, इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल विल सी यू नेक्स्ट टाइम